ये बड़े कारण जिसके चलते बीजेपी को गंवाना पड़ा। कैराना 2019 चुनाव से पहले पूरे देश भर में कैराना उपचुनाव की गूंज थी। देश भर के राजनीतिक विशेषज्ञ इस चुनाव को 2019 चुनाव से पहले सेमीफाइनल के नजरिए से देख रहे थे, जिसे आज महागठबंधन की उम्मीदवार तबसुम हसन ने जीत लिया है। इस चुनाव में आरए लड़ी, समाजवादी पार्टी, बसपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा था, जिसमें आरए लड़ी की उम्मीदवार को बाकी पार्टियों ने समर्थन दिया था। वहीं बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह यहां चुनाव के मैदान पर थी। कैराना में काफी समय से अच्छी छवि रखने वाले नेता हुकुम सिंह सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान थे, वहीं लोग उन्हें प्यार भी करते थे। लेकिन जब से यहां पर बीजेपी की सरकार थी, गन्ना किसानों का बुरा हाल हो रहा था। हालांकि यहां पर गन्ना किसान हमेशा से परेशान ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता के बाद काफी किसानों ने आत्महत्या भी की और जाहिर सी है बात, किसानों ने बीजेपी पर अपना गुस्सा निकाला है। 2014 लोकसभा चुनाव में यहां पर भाजपा के उम्मीदवार हुकुम सिंह को 5.65 लाख वोट मिले थे, वहीं सपा 3.29 लाख, बसपा 1.60 लाख और आरएलडी 42 लाख वोट मिले थे। यानी तीनों पार्टियों के वोट मिलाकर भी यह बीजेपी को छू नहीं पाए थे। कहीं न कहीं 2014 में मोदी लहर का असर था, वहीं हुकुम सिंह की शख्सियत का भी असर था। अब दोनों नदारद थे, ऐसे में यह परिणाम तो आना ही थे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।